सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई दो गेम प्ले के गेम प्ले वीडियो में। एंड आज का जो गेम प्ले वीडियो ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ नशे दिखने वाले हैं जो कि हो गए पिंक के। उसके बाद आपको थोड़े से स्टाइलिश फोड़ने वाली गाड़ियाँ दिखने वाली है विथ लेस स्किल, लेकिन मज़ा भरपूर आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से ओल्ड मिशन में कूद जाते हैं। मैं रेस्टोरेंट निकल गया। एनिमी मार क्यों नहीं रहा? तो डीएलपी का अभी मर जाता है और अब उसका टीममेट आ जाता है उसकी मौत का बदला लेने। अब मेरे को पहले से आइडिया था कि थोड़ा पीछे आके से लड़ना पड़ेगा, वरना गलती से भी अगर सिक्कल विकल चला दिया ना मेरे ऊपर तो भाई कतई बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे कुछ रहता है और ये डीएल पिका और डीएल प्लेस, ये दोनों को हम मार देते हैं। एंड देन भैया यहाँ पे थोड़ी सी लूट वगैरह करने के लिए मैं आगे निकल जाता हूँ, और तब तक ब्लेजी भैया के क्रिया करट की आवाज आ जाती है। स्प्रे वगैरह बाद में देंगे, लेकिन पहले बॉट मारे गए, वही वाली स्कीम यहाँ पे यूज हो जाती है। और भाई सामने मेरे को बंदर जाता हुआ दिख जाता है, लेकिन अब मेरे पे दो बंदे बहुत गंदे तरीके से पुश करते हैं। मतलब ऐसा राउंड एंड राउंड पुश करते हैं ना कि भैया कंफ्यूज होता हूँ। लेकिन ये आखिर में दो बंदे निकलते नहीं है, एक ही बंदा निकलता है। नहीं, क्या सोच रहे थे, पूरी स्क्वाड बोलूंगा? नहीं, एक ही बंदा निकलता है। और कर लो रस। नहीं भैया, आपको रस करना है, और आप रस करते करते यहाँ पे बजा दिए जाते हैं। और अब ये बंदे को बजाने के बाद जो थोड़ी सी हल्की फल्की लूट रहते हैं वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पता रहता है ब्लेजी भैया का जो बंदे नॉक किए वो फिनिश भी डालेंगे, और वैसा ही होता है और उनका क्रियाकरण हो आता है। लेकिन अब वो वाली क्रियाकरण होने के बाद जल्दी से हम उनके पास जाते हैं, नहीं मतलब नहीं जाते हैं, पूरा टाइम लेते हैं एंड देन उनके पास जाते हैं और बचे खुचे बंदों को बजा देते हैं। Enemy down. सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये S12 की आवाज़ सुन के मेरी भाई फट जाती है। एंड देन भाई मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता हूँ कि भाई मैं जानता ही नहीं हूँ मैं किसको नॉक किया हूँ। एंड देन ऐसा ही कुछ करता हूँ, एंड भाई ये बंदा थोड़े नशे में रहता है, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ले लिया हो रहता है लॉयन भैया वाला गांजा, तो उसको भी बजा देते हैं और देन ओल्ड बिजनेस से निकलने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम प्लानिंग किए रहते हैं और बंदे भी प्लानिंग किए रहते हैं हमें मारने का, तो बस देखो अब क्या होता है। वो तो अच्छा रहता है, ये बंदे की एक भी गोली मेरे को लगती नहीं है और उसके कारण भाई मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। लेकिन नहीं, अभी कुछ गलत सीन नहीं हो जाती है मेरे साथ, ये बंदे को फिर डालता हूँ एंड देन थोड़ा देख ले पीछे वेट करता हूँ। देन मेरे को याद आते हैं कि भाई बंदे कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर रहे हैं और अगर मेरे को कंटेंट बनाना है तो जल्दी निकलना पड़ेगा, और वो वाला चीज़ सोच के मैं अपना जो भावनाओं का लेवल होता है उसको बिल्कुल लेवल मैक्स करके जल्दी से गाड़ी के लिए निकल जाता हूँ और स्मोक भी कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही फट रही रहती है यार यहाँ।
अब ये बंदे की इतनी ज़्यादा ही फट जाती है कि ये बंदा डायरेक्ट निकल जाता है, और सच्ची में बहुत बुरा हाला निकल जाता है। नहीं मतलब मेरे को बहुत बेकार लगता है जब ऐसे कोई फट्टू लोगों से मेरा सामना हो जाता है, और हो भी जाता है यार। और अब ये बंदा भाई बाहर नहीं निकलता है, मतलब बहुत देर तक मैं रुकता हूँ लेकिन नहीं निकलता है। नहीं एक्चुअली निकलता है लेकिन मैं अंदर बैठा रहता हूँ गाड़ी के, तो भाई मार नहीं पाता मैं उसे। अब जितनी भी गोलियां मैं मार पाता हूँ उतनी मार लेता हूँ, लेकिन उसके बाद वो बंदा वहाँ पर डूब जाता है। और ऐसे डूबने वाले बंदों को तो भैया लॉबी में नहीं लेना चाहिए, नहीं मतलब पहले ही पूछ लेना चाहिए कि आप क्या डूब के मरते हो, अगर आप डूब के मरते हो तो मैच में ही ना हो, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है एक्चुअली, थोड़ा सा मतलब बेटर लगता। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो भाई यहाँ पे और कुछ बंदे रहते हैं तो उनको भी बजाते हैं जल्दी से। अब ये बंदे को मारने के बाद कतई नॉक फिनिश डाल देते हैं, एंड देन उसके बाद कुछ और बंदे हम पे रस कर देते हैं। और मैं बता रहा हूँ गलत सीन होने वाले, गलत सीन दिखने वाले और गलत सीन महसूस होने वाले हैं, और यही चीज़ों से आपको अपनापन महसूस होगा मेरे वाले गेम प्ले वीडियो में। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो हल्की पसंद आई हो या फिर गेम प्ले पसंद आया हो या फिर कुछ भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि हम डेली ऐसे ही गेम प्ले वीडियो लाते रहते हैं। और अब भैया जो आखिरी मतलब एक और स्क्वाड हम पे रस की रहती है ना, वो मेरे पे घुस जाती है, तो बस देखो उनसे कैसे दो दो हाथ करते हैं। Enemy down. Enemy down. तो यहाँ में हम फिर से मारे जाते, समझ में नहीं आता एस्ट्रल के कारण मरा हूँ कि हाइपिंग के कारण। अब ये वाले नशे तो बाद में भी होते रहेंगे लेकिन एक महंगे वाले नशे दिखाते हैं। अब यहाँ पता नहीं कैसे मेरा आईपैड आधा आईपैड व्यू खुल जाता है और पता नहीं क्या नशे होते हैं, लेकिन ये वाले गेम प्ले हम देखे कि क्या मैं ये ग्लिच को सही कर पाऊंगा या ये ग्लिच के साथ ही मर जाऊंगा। दिखा दे ये ऐसा, हाँ मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। काफी गलत सीन होते हैं मेरे साथ। अरे मैया इसी से डरना रह गया था। एनिमी एनिमी डाउन। मेरी एम फोर पे स्टिक से सर लग गया, नाइस सरप्राइज, वो फंदा आया मुझे आज, मुझे अच्छे से सरप्राइज मिल रहे हैं। कूदा नहीं कूदेगा मेरे को पता है। अरे सही हो गया, ग्लिच सही हो गया। पता क्या था मेरे को, अभी देखा कि क्राउच बटन में अभी भी येलो है, जब वापस उसे दबाया ना तब ठीक हो गया जादू। हाँ तो खुशखबरी मिल चुकी है, हमारा ग्लिच सही हो गया। काफी अजीब साउंड कर रही है लेकिन ग्लिच सही हो गया है। लेकिन अब लॉयन में भी कुछ बंदे चढ़ गए हैं, तो जल्दी से चलते हैं और उनकी भी पेटियां बनाते हैं। पेटी अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, लाश से बनाते हैं। हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ मेरा डोमेन ये देख, मार के आइयो मार के आइयो। अरे मैं नीचे गिर गया, फक मार उसको मार उसको मार उसको। वही कर रहा हूँ, मेरे एंगल पे नहीं है, मेरे एंगल पे नहीं है वो, अभी आया उसका दूसरा टीममेट आ गया। मैं आ रहा आपके पास, मार उसको, अब एंगल बना, अब तो बना, अब तो बना, अब तो बना, एक स्पिक रहा। एनिमी डाउन, जल्दी आ। वो तो अच्छा हुआ मेरे को मोटिवेशन मिल गया कि अगर मैं इसे नहीं मार पाऊंगा तो आप कितना बुरा वाला डांट होगा। अच्छा अच्छा स्कीम होता है, अच्छा नाइस मोटिवेशन। उसका टीममेट आ रहा है। ओके हाँ नहीं मार पाया है,
छे नुबड़े एनिमी डाउन गंदे लोग एनिमी एनिमी डाउन काला ओहो। हाँ तो ये दोनों बंदों को भी हम मार चुके रहते हैं। और भाई मेरे बैकग्राउंड से अब अगर कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है ना तो माइंड मत करना है, रिलेटिव आए हुए और साथ तक एक दो महीने रहेंगे। मजा कर रहा, एक दो महीने नहीं रहेंगे, कोई आइडिया नहीं मेरे कब तक रहेगा, लेकिन तब तक के लिए कुछ टाइम तक के लिए ऐसी आवाज़ आ सकती है, तो उसे माइंड करो या ना करो मेरे को क्या। तो ये सब चीज़ बाद में होती रहेगी, अब जल्दी चलते हैं और बंदों के पास। घर पे आया है, मैं भी घूम में हूँ, घर जाऊंगा तो मैं चला वो यूज करूंगा, वैसे आप आज नहीं करूंगा, खाली करूंगा सीधे ना आ जाऊंगा। हाँ। क्या लगता है मरेगा ये? मरेगा तो भाई। एनिमी डाउन। मैं बच गया, मैं नहीं बचा, अभी हील करियो, मैं सेफ आ गया हूँ। लेकिन एनिमी Enemy down. काफी गंदा स्प्रे दिया वो बंदा सच में। हाँ मैं इसमें हगने लगा हूँ ना, इसीलिए बंदे चिपकते हैं, बहुत चिपकते हैं, मतलब एक दूसरे के कवर में रहते हैं। फिनिश करना ही नहीं आता, तेरी गलती थी, तेरे मुझे तो पता था कि वो है, मेरे को पता ही नहीं था कि वो है, लेकिन तुझे नहीं पता था। हमेशा अलर्ट रहना, तुरंत गोली जहाँ नॉक होना तुरंत कवर में आना, इस तरह अपने आपको करना है। तो लॉयन में से कुछ ज्ञान, क्या बोल रहा हूँ मेरे को भी नहीं समझ में, ज्ञान एकत्रित करते हैं हम यहाँ पे, एंड देन भाई गाड़ी लेके मतलब बंदों को निकलने के मतलब मारने के लिए निकलते हैं। मेरी जीव लेवल पे पा रही है तो बाद में वॉइस ओवर करेंगे। गाड़ी अंदर घुस, गाड़ी में बैठ गया। उनकी गाड़ी फटने वाली है बस। हाँ मार चोर, अरे भाग ही बेटा, मेरे आंडों से आगे नहीं भाग सकते हो आप। अब यहाँ पे ये बेचारों की भी लाशें बन जाती है। और भाई कुछ ज्यादा ही अपनी गाड़ी से चिपक के मतलब गाड़ी के प्रेमी रहते हैं लोग, लेकिन हम इन्हें मार देते हैं। भाई बहुत बेकार लगता है मारना इन्हें, लेकिन हम इन्हें मार देते हैं। इस बात का दुख नहीं कि हम इनसे मरे तो है भी नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट किल की ओर चलते हैं, चल जा भाई। हाँ तो अब यहाँ पे एक बंदा और रहता है जो गाड़ी लेके भाग रहता है, लेकिन ये नशे में रहता है। हम तड़पा के उतारते हैं। ये तरीका ना बड़ा गंदा था भाई, ऐसे नहीं मरना। एनिमी डाउन। तो वो बंदे को मेरे किल के काउंटडाउन में शामिल होने का मन नहीं था, तो इस कारण वश से अच्छा लग रहा है सुनने में, तो इस कारण वश से वो कूद के मर जाते हैं। एंड कुछ कह भी नहीं सकते यार कूद के मरने में। और वैसे बता दूं कि ये गेम प्ले जो है ना ये नियर अबाउट 5 दिन पुराना है, क्योंकि 5 या 4 दिन मतलब उतना टाइम में लॉन वेस खेला नहीं हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि आजकल बहुत कम खेलते हैं, तो वो बताना चाहिए था आपको, वरना कोई शेरलॉक होम लोग आ जाएगा और बोलेगा आपने इसमें टाइम देखा और ये 5 दिन पुराना है। हाँ मेरे को तो पता ही नहीं था मैं 5 दिन पुराना वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है ये। लेकिन अब यहाँ बंद रहते हैं तो उनसे मरते हैं। अब समझ में आया क्यों बोला मैं कि मरने के बाद बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मारे जाते हैं, ये आरपीजी के चूचे हर मैच में आ जाते हैं और हमें मार के भाग जाते हैं। तो क्या ही बोले इसके बारे में, मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।